नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। सेवैया का हमने खीर खाया है, हलवा खाया है और पुलाव भी खाया है। आज हम सेवैया से ही जुड़ी हुई एक हट के डिश बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है वर्मी चेली क्रीम कप्स। इसे बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी लूंगी और एक कप सेवैया डालकर इसे भून लूंगी। जब सेवैयां गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें 1/4 कप मिल्क मेड डालूंगी। देखिए ये अब पूरा टाइट होने लग गया है। अब गैस को करेंगे बंद। अब एक मफिन ट्रे लूंगी, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल्स लगाकर सेवैया का कप्स बनाएंगे। देखिए इस तरह। ध्यान रहे, सेवैया का कप्स तुरंत ही बनाना है। अगर सेवैया ठंडी हो जाएगी तो कप्स सेट नहीं होंगे। अब इन कप्स को सेट होने के लिए फ्रीजर में आधे घंटा रखेंगे। जब तक कप सेट हो रहे हैं तब तक क्रीम बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई में एक कप दूध को बॉईल करूंगी। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें डालूंगी आधा कप मिल्क मेड। अब इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। अब डालेंगे कॉर्नफ्लावर। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को आधा कटोरी पानी में घोल लिया है। अब इसमें धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। अब एक ड्रॉप रेड फूड कलर डालूंगी। अपना क्रीम रेडी हो चुका है। अब गैस को करते हैं बंद और क्रीम को एक बॉल में निकाल लेते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा क्रीम को अलग करके उसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके एक बार के लिए इसे साइड में रख दे रहे हैं। कप सेट हो चुके हैं। अब इसमें अपनी क्रीम को भर कर 6-7 घंटा के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दूंगी। 6-7 घंटे हो चुके हैं। अपने वर्मी जेली क्रीम कप्स सेट हो चुके हैं। अब इन्हें निकालेंगे। हमने जो क्रीम अलग रखा था उसे एक पाइपिंग बैग में डालकर अपने क्रीम कप्स को डेकोरेट करेंगे। देखिए इस तरह। आप अपनी मर्जी से इस पे कोई भी डिजाइन कर सकते हो। अब कलरफुल सौंफ से फाइनल टच देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।